प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 3 विषय पर्यावरण, पाठ 1 रिश्ते नाते। तो हम पाठ का अध्ययन एक कहानी के माध्यम से करने जा रहे हैं। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। उसके माता पिता शहर में नौकरी करते हैं। दीपावली की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ अपने दादाजी और दादी जी से मिलने गांव गई। वहां उसने देखा कि गांव के चबूतरे पर बुजुर्ग लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। पिताजी ने सभी का अभिवादन किया और उनकी कुशल क्षेम जानी। घर पहुंचकर माता पिता और जमुना ने दादाजी और दादी जी के चरण छुए। दादी जी ने जमुना को अपने पास खाट पर बिठा लिया और लाड करने लगी। जमुना ने दादी जी से पूछा कि गांव में चबूतरे पर इतने सारे लोग क्यों बैठे हुए थे। वे सभी लोग आपस में दीपावली के त्यौहार के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, दादी जी ने बताया। दीपावली के दूसरे दिन जमुना अपनी माँ के साथ गांव में सभी लोगों के यहाँ मिलने गई। माँ सभी बड़ों के चरण छूती, बड़े लोग आशीर्वाद देते। पूरे दिन यह चलता रहा। शाम को जमुना जब घर लौटी तो दादी जी से कहा कि दादी जी, गांव में तो बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो दादी जी ने कहा, हाँ बेटा, यहाँ पूरा परिवार साथ रहता है। दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे। जमुना कहती है, दादी जी, हमारे वहाँ तो ज़्यादातर घरों में माता पिता और बच्चे रहते हैं। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। छोटे परिवार में कितने सदस्य हैं? अब यहाँ पर किताब के अंदर चित्र दे रखा है, तो छोटे परिवार में 4 सदस्य हैं। इसी प्रकार बड़े परिवार में कितने सदस्य हैं? चित्र में हम सदस्यों को गिनेंगे तो इस प्रकार चित्र में 13 सदस्य हैं। परिवार में सदस्यों के आधार पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की भूमिका अलग अलग होती है। सबसे बड़ा सदस्य परिवार का मुखिया कहलाता है, जो सामान्यतया परिवार के सभी सदस्यों की सलाह से परिवार का संचालन करता है। इससे सदस्यों को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य संपादित करने में आसानी रहती है। इससे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम व स्नेह बना रहता है। आजकल पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न कारणों से अलग अलग रहने से कई समस्याएं आने लग गई है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी में करना है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उतने गिनकर और इसका उत्तर लिखना है। जैसे हमारे परिवार में 15 सदस्य हैं। आपका परिवार कैसा है, छोटा या बड़ा? तो हमारा परिवार बड़ा है तो हम बड़ा लिखेंगे, अगर छोटा है तो छोटा लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने से क्या क्या लाभ है? तो परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहने से कई लाभ हैं, जो हम अभी आपको उत्तर के माध्यम से बताने वाले हैं कि दादा दादी एवं बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। बच्चों को पारिवारिक रिश्ते सीखने को मिलते हैं। सभी सदस्यों को अपनी योग्यता अनुरूप कार्य करने में आसानी रहती है। परिवार के सदस्यों में आपसी स्नेह व प्रेम बना रहता है। सामान्यतः परिवार के सदस्यों के गुण, लक्षण, आदतें, व्यवहार आदि अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के गुणों, लक्षणों, आदतों, व्यवहार से मिलते हैं। अब आपके परिवार में कौन कौन है, उनके साथ आपका क्या संबंध है, नीचे की तालिका में लिखना है। जैसे सबसे पहले नाम लिखना है, जैसे पिताजी का नाम लिखना है, जैसे गुरपाल सिंह समन पिताजी, तो इस प्रकार माताजी का नाम लिखना है, समन माताजी का हो गया। दादाजी का नाम लिखना है तो समन हो गया दादाजी। इसी प्रकार परिवार के सदस्यों के नाम लिखने हैं और इधर साइड में संबंध बताने हैं तालिका के माध्यम से। अब प्रश्न नंबर 1, कक्षा में किसके घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और किसके घर में सबसे कम सदस्य हैं? तो इसका उत्तर आपको अपनी कक्षा में सभी बालकों से
पता करके और लिखना पड़ेगा। जैसे राहुल के घर में सबसे अधिक सदस्य हैं और विजय के घर में सबसे कम सदस्य हैं। प्रश्न नंबर दो, आप में से कौन कौन अपने दादाजी दादी जी के साथ रहते हैं और कौन कौन दादाजी और दादी जी के साथ नहीं रहते। तो आप में से जो दादा दादी जी के साथ में रहते हैं वो लिखेंगे कि हम दादा दादी जी के साथ में रहते हैं, और जो नहीं रहते हैं वो लिखेंगे कि हम दादा दादी जी के साथ में नहीं रहते हैं। अब एक तालिका है जिसके आपको संबंध बताने हैं। जैसे एक नंबर है पिताजी के पिताजी, तो संबंध क्या हुआ? पिताजी के पिताजी हमारे क्या लगे? तो दादाजी। माँ की बहन मौसी जी, पिताजी के छोटे भाई चाचा जी, चाचा जी की पत्नी चाची जी, माँ के पिताजी नाना जी, पिताजी के बड़े भाई ताऊ जी, माँ के भाई क्या लगते हैं हमारे? मामा जी। पिताजी की बहन भुआ जी, चाचा जी की लड़की बहन, ताऊ जी का लड़का भैया, पिताजी की माताजी दादी जी, और माँ की माताजी नानी जी। जमुना अपने माता पिता के साथ शहर में रहती है। इसी प्रकार कई परिवारों में कुछ सदस्य अलग अलग कारणों से घर से दूर रहते हैं। तो आज हम अपना पाठ यहीं पूर्ण करते हैं और आगे का जो शेष पाठ है अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।